धारचूला में छिड़ा पॉलीथीन के खिलाफ अभियान। तहसीलदार देवेंद्र लोनी के साथ पुलिस व नगरपालिका की टीम ने संयुक्त अभियान छेड़कर धारचूला की दुकान दुकान में जाकर पॉलीथीन का प्रयोग व पॉलीथीन के अलग अन्य उपकरण सिंगल यूज प्लास्टिक इत्यादि की जांच की और जिसके बाद पॉलीथीन इत्यादि पाई गई उसका 500 से लेके 5000 रुपये का चालान किया गया। प्रशासन ने खोजबीन करके कई दुकानदारों के पास पॉलीथीन का प्रयोग होते हुए पाया और उक्त दुकानदारों के 500 से लेके 5000 तक के चालान अलग अलग किए गए। धारचूला में पॉलीथीन के लिए सब्जियों की दुकान का 500 रुपया व अन्य बड़ी दुकानों में जहाँ ज़्यादा मात्रा में पॉलीथीन प्राप्त हुई 1000 रुपया और एक जगह 2000 रुपया। इस तरह से प्रशासन ने काफ़ी चालान किए। एक जगह बड़ा जखीरा प्राप्त हुआ, जो जखीरा आपको दिख रहा है उस जगह की दुकान आपको दिख रही है, दुकान स्वामी का नाम लेना उचित नहीं है, परंतु इस दुकान का 5000 रुपये का चालान हुआ। 10000 के चालान की बात चल रही थी, परंतु अत्यधिक मात्रा में सामग्री मिलने पर तहसीलदार देवेंद्र सिंह लोनी ने 5000 रुपये का चालान उक्त दुकान का किया। उक्त दुकान में बहुत ज़्यादा मात्रा में सिंगल यूज, लगभग सभी बड़ी दुकानों में प्लास्टिक उपयोग में होता हुआ पाया गया। साथ ही एक बड़े मॉल में भी आज 1000 रुपये का चालान उनका किया गया, क्योंकि उनके पास प्लास्टिक की थैलियां उपलब्ध थी। एक जो पॉलीथीन का अभियान चल रहा है, सरकार की तरफ से आदेश आए हैं कि पॉलीथीन नहीं चलेगी, उसमें आपने एक अभियान छेड़ा गया नगर पालिका आप और पुलिस का संयुक्त अभियान है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें कितने लोग पकड़े गए अभी तक? अभी तक 500 लोग पकड़े गए हैं। अभी हमारा अभियान जारी है, ये कोर्ट के आदेश है। जब तक क्या कहते हैं पूर्ण रूप से बंदी नहीं होगा तब तक इस पर कार्रवाई चलती रहेगी। तो अभी कितने लोगों को आपने चालान हुआ है लगभग? अभी तो आधार द्वारा 6-7 लोग भी कर दिए हैं, लगातार चल रहा है, अभियान चलते रहेगा। स्थानीय वरिष्ठ व्यापारी राजीव कोहली ने इस तरह के अभियान को धारचूला के हित में बताया। मैं सरकार की इस कार्य की बहुत ज़्यादा सराहना करता हूँ, जो इस समय जलवायु परिवर्तन के कारण पूरे विश्व में जो है धरती का तापमान बढ़ रहा है और जिसकी वजह से असमय बारिश, असमय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना, असमय बहुत ज़्यादा ठंड पड़ना, ये सब हमारे मानव हित में नहीं है। इसलिए हमें जो है सिंगल यूज क्या डबल ट्रिपल यूज प्लास्टिक से भी बचना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को औद्योगिक पैकेजिंग पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए। आज अगर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कूड़ा औद्योगिक पैकिंग से निकलता है, जिस पर गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए और धीरे धीरे सारी पैकेजिंग को बायो कंपोस्टेबल मटेरियल के द्वारा बनाकर लगाए जाने का। प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल पहुंची मधकोट। मधकोट के विद्यालयों का किया औचक निरीक्षण। वंदना गर्ब्याल जिले के औचक निरीक्षण में लगातार धारचूला मुंशारी के औचक निरीक्षण कर रही हैं। वंदना गर्ब्याल ने आदर्श विद्यालय मधकोट को देखा। मधकोट के उक्त विद्यालय में काफी अच्छी चीजें दिखी और उनकी सराहना की गई। कीर्ति सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ सभागार में आज मूकबधिर यूनियन की बैठक हुई, जिसमें गणेश सिंह गर्ब्याल धारचूला निवासी को अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। गणेश सिंह गर्ब्याल धारचूला गर्ब्याल खड़ी के निवासी हैं। आज कीर्ति सिंह बाबू स्टेडियम लखनऊ में उनको मूकबधिर एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। जवाहर सिंह नब्याल स्टेडियम में खेल दिवस मनाया गया। खेल दिवस में पहुंची प्रारंभिक शिक्षा निदेशक वंदना गर्ब्याल। वंदना गर्ब्याल ने ताइक्वांडो के बच्चों के साथ विभिन्न कार्यकलाप किए व बच्चों का मनोबल भी बढ़ाया, साथ ही बच्चों को पारितोषिक भी प्रदान किए। वंदना गर्ब्याल प्रारंभिक शिक्षा निदेशक उत्तराखंड है, आज धारचूला के दौरे में थी वंदना गर्ब्याल। धारचूला के थानाध्यक्ष कुंवर सिंह रावत ने चलाया होटलों में शराब चेकिंग का अभियान। लगातार कुंवर सिंह रावत इस तरह के अभियान चला रहे हैं। शिव मंदिर गली से लेके धारचूला के हर चौराहे में शराब की जांच खुद कुंवर सिंह रावत
स्थल पर जाकर कर रहे हैं। लगातार शराब की शिकायतों और ढाबों में शराब पिलाई जाने की बात कुंवर सिंह रावत ने बताई और कुंवर सिंह रावत के साथ पुलिस की पूरी टीम मुस्तैदी के साथ शराब के इस चरण को रोकने का प्रयास कर रही है, परंतु आज कुंवर सिंह रावत को कोई भी सफलता प्राप्त नहीं हुई। कुंवर सिंह रावत लगातार प्रयासरत है कि धारचूला के ढाबों में या होटलों में जो अवैध शराब बेची जा रही है वो बंद की जाए, परंतु कुंवर सिंह रावत प्रयासरत होने के उपरांत भी कई जगह अवैध शराब दी जा रही है, ऐसा सूत्रों के हवाले से मालूम चल रहा है, परंतु उक्त स्थल पर धारचूला में जाम का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और पुलिस इस जाम को न खुलवा पा रही है न ही व्यवस्थित ढंग से कर पा रही है। पुलिस बिल्कुल नाकाम साबित हो गई है। जिस तरह से गाड़ियां आपको दृश्य में दिख रही है, स्कूल के छोटे छोटे बच्चे किस परेशानी से इधर से गुजर रहे हैं, इसका एहसास शासन प्रशासन को बिल्कुल नहीं है। स्थिति गंभीर होती जा रही है और लोग बीच सड़क में गाड़ी पार्किंग कर दे रहे हैं। पुलिस के जवान मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं, परंतु वो गाड़ियों को सही ढंग से या तरतीब से खड़ा करने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। एक पीआरडी का होमगार्ड सीटी बजाता हुआ नजर आया। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डीसीएल न्यूज।